ये बेटी चॉकलेट लो चॉकलेट, जाओ मम्मी के साथ जाओ। हाँ कुछ दिन से इस दूध वाले पे गौर कर रहा हूँ। ये डेली अपनी बच्ची को कुछ ना कुछ खाने के लिए देके जाता है। हाँ भैया, मैं भी बहुत दिनों से इस पे निगाह तो रखा हूँ, और मुझे ये रहीम चाचा की आदत ठीक नहीं है। मुझे तो साला एक नंबर का किडनैपर लगता है और बहुत बड़ा जालबाज लगता है। हाँ भैया, आजकल चॉकलेट खिला के बच्चों को कुचला के गायब कर देते हैं। मुझे तो कुछ विचार इनके कुछ ठीक नहीं लग रहे भैया। चल ठीक है, आने दे साले को, कल देखते हैं। मम्मी जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ बेटा मैं आई। ये लो तुम्हारी चॉकलेट। और कॉलर कैसी रखी हो, स्कूल में किसी से लड़ना नहीं, ठीक है? हाँ बेटा, वो इसलिए क्योंकि आज 15 अगस्त है। मैं रुको, गंती लेके आओ। अरे बेटा, मैं तुम्हारी चॉकलेट देना तो भूल ही गया। अरे क्या हो गया भाई जान, बच्ची चॉकलेट क्यों फेंक दिया आपने? सुन, मैं जो कर रहा हूँ ना सही कर रहा हूँ, लेकिन तुम जो कर रहे हो और करने वाले हो वो भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, समझा? हो गया भाई जान, क्या बोल रहे हो? चाचा ज्यादा भोला बनने की कोई जरूरत नहीं है, हमको सब पता है। और आईना से हमारे घर पे दूध लेके नहीं आएंगे आप। क्या हो गया जी, क्या हो गया, क्या हो गया भाईजान, क्या हो गया, क्या हो गया बताइए तो आप। अरे यहाँ क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? सुन, अंदर जा, सिर्फ बर्तन तक ही सीमित रहे तो समझी। चाचा अंदर जा, कल से आप दूध लेके नहीं आएंगे। भाईजान आप लोग हम लोग हमेशा सबकी निगाह से क्यों देखते रहते हो? जैसा आपको इस मुल्क से प्यार है भाईजान, वैसे हमको भी इस मिट्टी से प्यार है। ये हिंदुस्तान भी हमारा आपका भाईजान। खुदा हाफिज। हाँ हाँ बेटा चलो, बैठो बेटा। अरे भैया मैं भी चलना, थोड़ा रास्ते में मुझे दुकान है। काम थोड़ा, मैं भी चल रहा हूँ। बैठो। भाईजान सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम मेरे सिरो। अल्लाह के रहम और करम से हमने हिंदुस्तान की सरजमी पे कदम रख दिया, और इंशाल्लाह 15 अगस्त हिंदुस्तानियों की
जिंदगी का वो आखिरी तिरंगा का झंडा होगा। हिंदुस्तान में इतना कहर बरसा दो, इतना कहर बरसा दो कि दुनिया के सारे मुल्क हमारे नाम से कांपने लगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुदा हाफिज भाईजान। आमीन 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 आमीन। चलो भाईजान, हिंदुस्तान की सरजमी पे तबाही का समय आ गया है। हिंदुस्तान के एक एक वासिंदे को मौत के घाट उतारना है। इंशाल्लाह आमीन। भाईजान सामने कोई जा रहा है। हाँ हाँ भाईजान, और साथ में हिंदुस्तान का तिरंगा भी है। खैर किस बात की है, एक भी हिंदुस्तानी बचना नहीं चाहिए। उनकी लाशें बिछा दो, लाशें लाशें बिछा दो। चलो चलो। इसको लेके जा। नहीं भैया, आप भैया लेके जा। भैया खून निकल रहा, भैया गोली लग गई है। मेरी चिंता मत कर, लेके जा। भैया लेके जा, ले जा। भाईजान क्या हो गया? भाईजान क्या हो गया भाई? बोलो बोलो क्या हो गया भाईजान? क्या हो गया बच्ची? भाई को बचा लो। क्या हो गया क्या हो गया? बच्ची कहाँ गई? भाई कहाँ गया? बच्ची को बचा लो, वो लोग मेरे बच्ची के पीछे गए। कौन लोग? कौन लोग भाईजान? कौन है? वो आतंकी ने हमला किया है मेरी बच्ची। मैं देखता हूँ भाईजान, मैं देखता हूँ, मैं बचा लूंगा भाईजान, आप हिम्मत रखो। आप भाई? हाँ बोलो बोलो भाईजान। मैंने आप पर शक किया और आपको बुरा भला कहा। अरे नहीं नहीं भाईजान, ऐसा नहीं है भाईजान। अरे कुछ लोग होते ही हैं भाईजान हम लोगों के उसमें भी, जिनके कारण हम लोगों को भी बदनामी झेलना पड़ता है। आप डरो मत भाईजान, हमको भी आपसे प्यार है भाईजान। आप डरो मत, मैं बच्ची को बचा लूंगा। आप डरो मत, आप ठीक हो जाओगे। अरे भाईजान भाईजान
बेटू 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 सर, मैं इंस्पेक्टर नवनीत सिंह। हमने सभी आतंकवादियों को मार गिराया है। बच्ची भी सुरक्षित है, ठीक है सर। आप और फोर्स लेके पहुंचिए। कुर्बान है ए वतन महबूब मेरे, तुझे ते दिल कुर्बान है। हम जीएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जला भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे है वतन तेरे लिए। सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामना। हम तमाम टीम के सदस्यों की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चल पड़ो उस रास्ते पर जिससे पहुंचे कारगिल, देखकर इन हादसों को रो रहा एकांत दिल। कर दो अपनी जिंदगी भी देश की माटी के नाम, दे रहे बलिदान सरहद पर उन शहीदों को सलाम, उन शहीदों को सलाम। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर से आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को जमकर के शेयर करो यार, और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। ये छोटी बच्ची ने बहुत मेहनत किया है। और बेल आइकन पे घंटा जरूर बजाएं। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।